For my soul. जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री एक साल हो चुका है और पहला फंक्शन जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री का इग्नाइटेड लीडरशिप कॉन्क्लेव पिछले साल 2017 अक्टूबर में हुआ। अब फिर से 27 अक्टूबर को होने जा रहा है इग्नाइटेड लीडरशिप कॉन्क्लेव। आप हमारी वेबसाइट में जाकर इसके बारे में पता लगा सकते हैं और आप इसमें सम्मिलित होने मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ। आइए, परमेश्वर की आशीष पाइए और अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव कीजिए, क्योंकि वो सच्चा और जीवता परमेश्वर सब की सुन लेता है। इग्नाइटेड लीडरशिप कॉन्क्लेव 27 अक्टूबर, और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट करें। वचन में लिखा है, शोभा तो झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा होती है। नीति वचन 31:30। आप सबों को हमारे जीवते प्रभु यीशु में नमस्कार। मैं निधि साइमन, जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री से आप सबों का प्रेयर टाइम में स्वागत करती हूँ। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री का केवल एक ही उद्देश्य है, परमेश्वर का सुसमाचार उन सब लोगों तक पहुंचे जो आज तक इस आनंद से वंचित हैं, यानी कि हर कोने पर परमेश्वर का वचन पहुंचाना ही जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री का मेन उद्देश्य है। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री आप लोगों की मिनिस्ट्री है। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री में हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, आप वेबसाइट विजिट करिए, वहाँ पे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दीजिए आप, और अगर परमेश्वर आपका हृदय छूता है तो आप हमें ऑनलाइन डोनेशन भी दे सकते हैं। आप हमारे मेंबर्स बनिए, आप हमारे पार्टनर्स बनिए। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री में आप कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर, और हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। 4 languages, 4 भाषाओं में आप लोगों के लिए प्रार्थना की जाती है, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली और उड़ीसा। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री से बहुत से चमत्कार हो रहे हैं, बहुत से लोगों की प्रार्थनाएँ सुनी जा रही हैं, बहुत सी गवाहियाँ हैं जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री में लोगों की, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब अपनी अपनी रिक्वेस्ट लाइए। मैं आप लोगों से एक गुजारिश और भी करती हूँ, क्योंकि हमारे पास एक ही वेपन है जिसका नाम है प्रार्थना और प्रेयर्स। आप हमारे लिए भी प्रार्थना करिए, हमारे प्रेयर वॉरियर्स के लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि आप सब जानते हैं और हम सब जानते हैं कि शैतान भूखे सिंह की नाई मुँह फाड़े खड़ा है। आप मेरे लिए प्रार्थना करिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करिए, ताकि मैं और मेरा परिवार प्रभु की सामर्थ में और आगे बढ़ता जाए। आप हमसे जुड़िए। आज जिस विषय पर मनन करने के लिए मैंने चुना है आप लोगों के बीच में, वो विषय है वो चीज़ जो जीवन को बनाती है और बिगाड़ती भी है, और वो हम सब उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, और वो एक परमेश्वर की अनोखी रचना है, और वो है स्त्री, महिला, औरत, हवा। जी हाँ, आज मैं आप लोगों से महिलाओं के विषय में बात करूंगी कि महिलाओं के लिए परमेश्वर की क्या आज्ञाएं हैं। आइए मैं वचन से पढ़ती हूं आपके सामने। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 18वां वचन और 23वां वचन। आइए, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा,
आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। 23वां वचन, तब आदम ने कहा, यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस की मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकली है। इन दो वचनों से हमने एक बात देखी कि परमेश्वर ने स्त्री को बनाया पुरुष की सहायता के लिए, और दूसरा, नर और नारी आपस में मेल खाते हैं। नर से नारी बनी मेल खाने के लिए, मेल एक है, कोई ऊंचा कोई नीचा कोई भी नहीं, पुरुष के लिए स्त्री बनी। और वो स्त्री जिसे परमेश्वर ने बनाया, उसके लिए परमेश्वर ने क्या आज्ञाएं दी, मैं वो आप लोगों के साथ आज वचन बांटूंगी। क्यों ये मुझे टॉपिक मैंने क्यों चुना, उसके लिए भी मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि जब मेरे पास कॉल्स आते हैं तो 90% महिलाओं के कॉल्स आते हैं, और उनकी जो रिक्वेस्ट या जो भी प्रॉब्लम होती है, जब मैं उनके बारे में सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ इसमें है, और मैं उन्हें समझाती हूँ। तो इस बार मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं इस चीज़ को आप लोगों के बीच में बात करूँ, इस विषय में बात करूँ। चलिए आज मैं बाइबल से पढ़ूंगी नीति वचन 31:21 से लेकर लास्ट तक। वो अपने घराने के लिए हेम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वो तकिया बना लेती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंजनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। वो सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। वो बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। वो बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उसको उठ कर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने ऐसे अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। ये परमेश्वर का वचन है, उसका धन्यवाद हो। बहुत से लोग मुझे सुन रहे हैं, वो सब जानते हैं कि स्त्री क्या है। अब मैं स्त्री के रोल के बारे में, भूमिका के बारे में आपसे बात करती हूँ, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि परमेश्वर ने स्त्री को पुरुष के लिए बनाया, पुरुष का सहायक होने के लिए बनाया, कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं बनाया, नर से नारी बनी है। 23वां वचन जो कहता है, क्योंकि यह नर से निकली है, नर से निकली है, इसलिए नर की नारी है, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। स्त्री को लेते हैं, स्त्री एक बेटी होती है, पत्नी होती है और माँ होती है। ये तीन बड़े अहम रोल हैं इसके। मैं बहू और सास को नहीं लूंगी, क्योंकि बहू इज इक्वल टू बेटी ही होती है और सास माँ की जगह होती है। मेन जो स्त्री के रोल हैं वो है बेटी, जिसमें बहन भी आ जाती है, बेटी, पत्नी और माँ। ये अपने उम्र के हिसाब से बटे हुए हैं, और मैं एक एक इन लोगों को लूंगी और आपसे हमारा परमेश्वर ये वचन क्या कहते हैं, हमारे लिए क्या आज्ञाएं हैं, बात करते हैं। और मैं
आपको ये बताना चाहती हूँ कि इतनी अच्छी, इतनी प्यारी आज्ञाएं हैं, जिससे इस बात में मैं, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि परमेश्वर ने मुझे स्त्री बनाया। और मैं जानती हूँ जब मैं आप लोगों के साथ में ये परमेश्वर का वचन रख दूंगी तो आप भी बोलेंगे कि वाह, परमेश्वर ने हमें बनाया। और देखिए आप परमेश्वर के और कितने नज़दीक आ जाएंगे। पहले लेते हैं बेटी, चलिए पढ़ते हैं वचन से, आपके सामने पढ़ूंगी पहला तिमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 11वां वचन। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। अब जब बेटी है, बेटी गंभीर, उसमें सौम्यता होनी चाहिए, बेटियों में सौम्यता होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए, सब बातों में सचेत। हम सब जानते हैं आज का संसार कैसा है, उसे सचेत होना चाहिए, उसे दोष लगाने वाली नहीं, या मैं कहूं कि अकारण ही झगड़ा लड़ाई में ध्यान ना लगाएं, और विश्वास योग्य। बेटी का विश्वास योग्य होना सबके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आगे चल के एक पत्नी भी बनेगी। विश्वास योग्य अगर बेटी है तो माता पिता तो गर्व से फूल जाएंगे, विश्वास योग्य अगर बहन है तो भाई तो उसके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। तो बेटी के लिए, यहां जितनी भी बेटियां मुझे सुन रही हैं, आप लोगों के लिए परमेश्वर की आज्ञा यह है कि आपको गंभीर होना है, सचेत होना है, बिल्कुल बुद्धि और समझ से काम करिए। और बुद्धि और समझ देने वाला हमारा परमेश्वर है, अगर हम उससे मांगेंगे हमें वो सब कुछ देगा। और विश्वास योग्य होना चाहिए, हमें कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना है, हमें किसी को धोखा नहीं देना है, और झगड़े और लड़ाई इन सब बातों से दूर रहना है। जितनी बेटियां मुझे सुन रही हैं उनके लिए मैं एक मैंने उस दिन एक किताब में एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी, वो मैं बताती हूँ कि माता पिता की एक बेटी जो 16 ईयर्स की हुई, स्कूल ख़त्म होने के बाद जब कॉलेज आने की बात हुई तो उसके माता पिता ने उससे कहा कि बेटा हम चाहते हैं कि तुम बाइबल स्टडीज़ करो। और उसे बड़ा अटपटा सा लगा, क्योंकि उसकी जो दूसरी फ्रेंड्स थी, कोई ड्रेस डिज़ाइनिंग कर रही थी, कोई कंप्यूटर कोर्स कर रही थी, और ना जाने क्या क्या कर रही थी, कुछ इंजीनियरिंग कर रही थी। पर इसके माता पिता ने ये कहा कि हम जब तू पैदा हुई थी तो हमने सोचा, परमेश्वर से ये कहा कि प्रभु हम इसे बाइबल स्टडीज़ करवाएंगे, बाइबल कॉलेज में भेजेंगे, तो बेटा तू बाइबल कॉलेज चले जा। अब क्योंकि वो मम्मी पापा उसके इतने प्रेम से बोल रहे थे तो वो चली गई, लेकिन उसका बिल्कुल भी वहाँ मन नहीं लगा। और 3 महीने के बाद छुट्टियों में वो फिर से अपने गांव आई, शहर वो कॉलेज पढ़ने गई। गांव आई तो वो सुबह जॉगिंग के लिए निकली, और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं किससे मिलूं, अपने दोस्तों से जाके क्या बताऊं कि मैं बाइबल पढ़ने गई हूँ, मेरे दोस्त तो क्या क्या पढ़ रहे हैं। और वो जब सुबह जॉगिंग करने निकली तो वो छोटा सा गांव था, आसपास चारों तरफ जंगल थे, तो वो जॉगिंग करते हुए एक ऐसे रोड से निकली जहाँ वो बिल्कुल सुनसान थी, एकदम खाली थी। अब उसके घर लौटने का समय हो रहा था कि वो घर लौटे तो उसने देखा कि उस रोड पर, वो थोड़ी सी डरी उस रोड पर जाने के लिए, एक आदमी खड़ा हुआ है और वो उसे घूर रहा है। वो उसे इग्नोर करती हुई, अपनी जॉगिंग करते हुए, जल्दी जल्दी जॉग करते हुए घर को पहुंच गई, और फिर वो शांत। और फिर जब उसने शाम के अखबार में देखा तो उसने ये न्यूज़ पढ़ी कि उस रोड में एक वारदात हुई और वहाँ पे एक महिला को लूटा गया और उसे घायल किया गया। तो उसे बहुत अजीब सा लगा और ये सोची कहीं वही व्यक्ति तो नहीं जो वो मुझे घूर रहा था, वही व्यक्ति हो सकता है।
और वो तुरंत उठी और पुलिस स्टेशन गई वहां के, और उसने इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर शायद मैं जानती हूं उस आदमी को, मैंने देखा है उस आदमी को, क्योंकि मैं जॉगिंग के लिए आज गई थी सुबह। तो इंस्पेक्टर बोलते हैं वेरी गुड, आप आगे आए, तो मैं यहाँ आपको कुछ यहाँ के गुंडे बदमाशों को पकड़ के बताता हूँ, अगर आप उससे पहचान सकती हैं इन लोगों में तो पहचान के बताइए। और वो गई और उसने उस आदमी को पहचान लिया और इंस्पेक्टर को बताया, और पुलिस ने जब उसे मारा पीटा तो उस आदमी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब ये बड़ी घबरा गई। फिर इंस्पेक्टर इसके पास मिलने आए, बोले कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, आपने आप आगे आए और हमारी मदद की, आपने अच्छा सिटीजन बने, आप आपके लिए हम कुछ कर सकते हैं। तो ये गर्ल बोलती है, आप क्या मेरे लिए एक प्रश्न उस आदमी से पूछ सकते हैं? हाँ हाँ बताइए, कौन सा प्रश्न? उस आदमी से आप पूछिए कि जब मैं वहाँ पे जॉगिंग करते हुए जा रही थी, उसने मुझे क्यों नहीं लूटा? पुलिस गई अंदर, उस आदमी को पकड़ के लाया और बोला कि क्यों, तुम इनको जानते हो, इनको देखा है? उस आदमी ने कहा हाँ देखा है, ये उस वक्त जॉगिंग कर रही थी, तो तुमने इन्हें क्यों नहीं लूटा? तब वो आदमी बोलता है, कैसे लूटता? इनके पीछे दो व्यक्ति सफेद कपड़ों में जॉगिंग कर रहे थे, ये अकेली थोड़ी थी, अकेली रहती तो लूटता मैं इनको। और वो लड़की बहुत घबरा गई, वो सफेद में वो दो व्यक्ति कौन थे? तुरंत समझ गई वो स्वर्गदूत थे जो उसके साथ थे, क्योंकि उसने परमेश्वर को चुना था, उसने अपने माता पिता की आज्ञा मानकर बाइबल स्टडीज के लिए गई। और जब वो अपनी छुट्टियों को, वेकेशन को कंप्लीट करके इस बार जब कॉलेज वापस लौटी, इतनी जोश से लौटी और उसने अच्छे से पढ़ाई की बाइबल। परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। तो बेटियों, परमेश्वर पर विश्वास रखो। अगर आप परमेश्वर के मार्ग पर चलेंगे तो स्वर्गदूत वो अपने स्वर्गदूतों को भेजता, वचन कहता वो अपने स्वर्गदूतों को भेजता है तुम्हारी सहायता करने के लिए, जैसे उस लड़की के लिए भेजा। किसी से नहीं डरें, सचेत रहें, विश्वास योग्य रहें, गंभीर रहें। जी हाँ, अब मैं आती हूं दूसरी भूमिका जो महिला की होती है, वो होती है पत्नी की। बेटी के बाद उसकी शादी जब होती है तब वो पत्नी बन जाती है। आइए वचन उनके लिए क्या बोलता है, पढ़ते हैं। मैं आपके सामने पढ़ूंगी नीति वचन 14 उसका पहला अध्याय। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री अपने ही हाथों से ढा देती है। जो मेन रोल होता है एक स्त्री का, वो होता है पत्नी का। और मैंने कहा वो, आज मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ जो या तो जीवन बना देती है या बिगाड़ देती है। देखिए वचन भी यही कहता है, एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, और अगर उसका घर बिगड़ा है तो उसकी जिम्मेदार वो स्त्री ही होती है। मैं आप लोगों को फिर से ये बात बोलूँगी कि स्त्रियों के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, घर की जिम्मेदारी, पति की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, रिश्तेदारों की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, बहुत सी जिम्मेदारी। और वचन भी ये कहता है कि हम स्त्रियां ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं घर को बनाने में और घर को बिगाड़ने में। इसलिए हमें बुद्धि से काम लेना है, क्योंकि पत्नी के पास उसका अपना घर हो जाता है, परिवार हो जाता है। इसलिए जितनी भी पत्नियां मुझे सुन रही हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, उसे ले लीजिए अपने हाथों में ले लीजिए इस जिम्मेदारी को, क्योंकि हम सबको अपना घर बनाना है, तोड़ना नहीं है। आइए और क्या पत्नी के विषय में वचन कहता है। इफिसियो 5 उसका 22वां और 23वां अध्याय। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है।
सबसे इम्पॉर्टेंट आज्ञा ये है कि जब आप पत्नी हो जाती हैं, आपको बुद्धिमान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपना घर बनाना है, तोड़ना है, मूर्ख नहीं बनना है। दूसरा, अपने अपने पति के अधीन रहना है, क्योंकि पति ही पत्नी का सिर है। जी हाँ, पत्नी को पति के अधीन रहना है, क्योंकि बिना सिर के कोई भी स्त्री अच्छी नहीं लगती है कि नहीं। इसलिए हमें अपने पति के अधीन रहना है, और जब हम अपने पति के अधीन रहते हैं तो देखिए आपका पति भी आपसे बहुत प्रेम से रहेगा और आपका घर आप संभाल पाएंगी। आइए आगे और क्या कहता है वचन हम पढ़ते हैं। अब मैं बात करूंगी वचन के द्वारा बेटी पत्नी के बाद स्त्री की तीसरी भूमिका, माँ की भूमिका। माँ की भूमिका सर्वश्रेष्ठ भूमिका, दायित्व की भूमिका। आइए तीतुस 2 उसका 3-5। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें, संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति की अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना हो। माँ जब बन जाते हैं हम, तो हमें हमारे बच्चों को शिक्षा देने वाली बनना, मींस एक शिक्षक, एक टीचर का काम करना पड़ता है। और जब हम किसी को शिक्षा देते हैं तो ये बहुत ही स्पष्ट है कि हमें सही रहना है, तभी हम सिखा सकेंगे अपने बच्चों को कि उनको कैसे रहना है। यानी कि एक माँ को, एक सास को, मैं दोनों की बात करूंगी यहाँ पे, सिर्फ माँ बेटी की माँ नहीं, बहू सास के बारे में मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि सास के लिए बहू जो रहती है वो बेटी होती है। ये सत्य है, आप इसे आप नकार नहीं सकते, आप इसके ऊपर कोई पर्दा नहीं डाल सकते। तो वो कैसी हो, वो सिखाने वाली हो, और जब वो सिखा रही है तो स्वयं भी वैसा ही चले। अगर वो कार्य करने के लिए अपनी बेटी या बहू को बोलती है तो स्वयं कार्य करे। अगर वो सीख देती है तो उस सीख में स्वयं भी अमल करे। बेटियों को उनके, जब वो अपने ससुराल जाएं, उसकी सीख दे, और जिस बेटी को प्रभु ने उन्हें दिया है बहू बना के, उसको पति के अधीन रहने की शिक्षा दे, और खुद भी अपने पति के अधीन रहे, प्रभु का वचन माने। यहाँ परमेश्वर के वचन की निंदा ना हो, दैट मीन्स वो खुद भी परमेश्वर के वचन पर चले, ताकि वो बोल सके कि तुम भी ऐसा किया करो। बेटी, पत्नी और माँ, इनके लिए कितने सुंदर वचन परमेश्वर ने कहा। और इन वचनों को जब मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ, तो ज़रूर आप ये बात सोच रहे होंगे कि अरे इसमें तो कुछ भी कठिन नहीं है, अगर हम इस तरीके से करें तो ना हमारे घर में कोई क्लेश हो, ना लड़ाई हो, ना झगड़े हो, सब शांति और प्रेम पूर्वक रहें। यही उद्देश्य है हमारे जीवन का, हमारे मसीही जीवन का, शांति आनंद के साथ जीवन व्यतीत करना, एक दूसरे से मेल मिलाप करके रहना। दिस यही है हमारा मसीही जीवन। तो आपने देखा कि बेटी, पत्नी और माँ के लिए परमेश्वर ने क्या क्या वचन दिए। अब मैं जो आपके सामने वचन पढ़ूंगी, वो वचन मुझे इतना अच्छा लगा जब मैं तैयारियां कर रही थी, रिसर्च कर रही थी कि आप लोगों के सामने मैं क्या बोलूं, और आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। आइए मैं पढ़ती हूँ। श्रेष्ठ गीत उसका 4 उसका 7 वचन। हे मेरी प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी है, तुझ में कोई दोष नहीं। लीजिए, परमेश्वर ने कह दिया कि हर एक स्त्री सुंदर है, सर्वांग ऊपर से नीचे तक वो सुंदर है। आज के बाद हर एक स्त्री, हर एक महिला जो भी मुझे सुन रही है,
वो अपने आप को खूबसूरत समझेंगी, सुंदर समझेंगी और लोगों को भी बताएंगी, दूसरी महिलाओं को भी बताएंगी कि हम सुंदर हैं, वी आर ब्यूटिफुल, हम सुंदर हैं, ये वचन कहता है। कोई हमको टैग नहीं दे सकता कि तू काली है, तुम गोरे हैं, ऐसे कोई हमको टैग नहीं दे सकता, स्पेशली वो लोग जो अपने लिए बहू, लड़के बेटे के लिए पत्नी ढूंढने आते हैं, बहू ढूंढने आते हैं कि हमको गोरी लड़की चाहिए, उनको अब बता दीजिए कि परमेश्वर ने मुझे सुंदर बनाया है। हु आर यू, आप होते कौन हो मुझे ये बोलने वाले? हम सुंदर हैं, सारी महिलाएं सुंदर हैं। अब जब हम सुंदर हैं तो हमको श्रृंगार तो करना ही पड़ेगा, उसके लिए भी वचन क्या बोलता है, आइए मैं बताती हूँ। पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 3 और 4 पद, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूथना, सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता, मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित हो, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में उसका मूल्य बड़ा है। तो हमारा श्रृंगार कैसा होना चाहिए? नम्रता और मन की दीनता। जिस स्त्री में नम्रता और मन की दीनता आ गई, सबसे खूबसूरत स्त्री। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज आप लोगों के बीच में जो मैंने मनन किया स्त्रियों के बारे में, आप समझ गए होंगे। और अंत में मैं एक वचन और पढ़ के ख़त्म करूँगी, और वो है नीति वचन का 31 अध्याय उसका 30 वचन, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। यहोवा का भय मानना, आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे दयालु पिता परमेश्वर, इस वक्त तेरे चरणों पास आते हैं, तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर मनन के लिए, इन सुंदर वचनों के लिए, और पिता परमेश्वर इस आशीष के लिए कि तूने हमें स्त्री बनाया है। पिता परमेश्वर, यहाँ जितनी भी स्त्रियाँ बैठी हैं पिता परमेश्वर, सुन रही हैं पिता परमेश्वर, मैं विनती और प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि उनके भीतर तू पिता परमेश्वर ऐसा हृदय दे कि वो यहोवा का भय मानने वाली हो सकें और वैसी भली स्त्री बनने वाली हो सकें जिसका वर्णन तेरे वचनों में है। पिता, उनकी सारी परेशानियों को दूर कर, जितनी भी मुझे सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके घर की सारी तकलीफों को दूर कर पिता परमेश्वर, जो बीमार हैं घरों में है या अस्पतालों में, उनकी बीमारी को चंगाई दे, जो किसी भी कर्जे में है उनके कर्जों से उन्हें मुक्त कर पिता परमेश्वर, घर में अगर क्लेश है उनके भीतर शांति ला प्रभु, तू सब कुछ कर सकता है, हम सब तेरे पास आते हैं प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर जितने लोग अभी यहाँ बैठे उन सब की तूने परेशानियों को अभी इसी वक्त दूर कर दिया है पिता। सारी महिमा आदर भक्ति हम तुझे अर्पित करते तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री 1 साल हो चुका है और पहला फंक्शन जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री का इग्नाइटेड लीडरशिप कॉन्क्लेव पिछले साल 2017 अक्टूबर में हुआ, अब फिर से 27 अक्टूबर को होने जा रहा है इग्नाइटेड लीडरशिप कॉन्क्लेव। आप हमारी वेबसाइट में जाकर इसके बारे में पता लगा सकते हैं और आप इसमें सम्मिलित होने मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ। आइए, परमेश्वर की आशीष पाइए और अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव कीजिए, क्योंकि वो सच्चा और जीवता परमेश्वर सबकी सुन लेता है। इग्नाइटेड लीडरशिप कॉन्क्लेव 27 अक्टूबर, और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट करें।